दिन रात तो बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, होता है कि यार। ये माहिर है ना, अपना एक्टर है, ये स्मार्ट लड़का है। ये डॉट ये क्या है, ये डॉटी फ्राइज क्या है, गंदे गंदे फ्राइज। मेरे अपने एक दाबेली एक वड़ा पाव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह हो गई है, सोचा आज बालकनी में आके स्टार्ट करूँ व्लॉग की। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज ऑफिस जाना है तो सुबह जल्दी उठ गया हूँ, चलते हैं बस, तैयार होते हैं, नाश्ता ही बनाना है। सो लेट्स गेट रेडी। चीज़ दिखानी थी बेसिकली, इसे अपनी नाम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोला जाता है, यहाँ बोलते हैं इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, आई डोंट नो द रीज़न बट बोलते हैं, सब बोलते हैं। स्नो हो रही काफ़ी ज़्यादा, सोचा इसी बस बाहर वॉक के लिए आ जाओ। सो बस वॉक करने के लिए निकला था, देखो ज़रा वाइट वाइट हो गया, जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक। तो वेरी फ्रैंक, पता है जब मैंने आए थे ना यहाँ पे तब ऐसे बर्फ देखते थे, बोलते थे वाओ जन्नत है भाई, क्या सही है क्या सही है। अब घंटा दिन रात तो बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है, होता है कि यार कितनी बर्फ गिर रही, भाग यहाँ से, कुछ करने का मन नहीं करता। कपड़े 50 अलग पहनने पड़ते हैं, कुछ कर सकते नहीं है, बस घर में बैठे रहो। तो बस चलता हूँ अब मैं, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, एक घंटे का लंच लेता हूँ मैं यूजली, चलता हूँ, काम भी ख़त्म करना है उसके बाद। तब तक थोड़े फिलहाल नज़ारे देखो, तब तक मैं ऑफिस पहुँचता हूँ और काम ख़त्म करता हूँ, उसका फिर मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। क्या चीज, हाँ हाँ कुछ भी हो जाए आओ आओ। देखो कैसे फिर वाइट वाइट हो गया, आज सुबह से स्नोफॉल हो रही है खतरनाक वाली। A few moments later. सारे दोस्त आके बैठे हुए थे यहाँ पे, बकचोदी चल रही है और कुछ नहीं। बाहर रोड पे खड़े हो गए वो सब नहीं होता मेरे से, नहीं यहाँ पे बैठ के एक्टिंग करना है,
ये माहिर है ना अपना एक्टर है, ये स्मार्ट लड़का है, अच्छा दिखता है यार, अपने आप रील्स से व्यूज आएंगे करेगा तो है ना भी शकल दिखा सर कैमरे पे, शकल दिखा शकल दिखा। अरे रील बनाएंगे मस्त कंटेंट वाली, ये तो मैं एक नंबर, व्यूज आएंगे अपने आप। वाइबे कर देना उसमें। तो कहाँ जा रहे फिर अपन, डिसाइड किया? एक घंटे डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड हो गया कहाँ जा रहे। कोई रेस्टोरेंट है नया नया खुला है अभी, एक एक डॉलर में वड़ा पाव और सब कुछ मिल रहा है, बट अभी डिस्कशन चल रहा है ऑर्डर क्या करना है। अपने फोन में ऑर्डर प्लेस कर रहा है, इसको क्या खाना है, ये इसको भी वड़ा पाव खिलाना है ना। तू क्या खाएगा? क्या ऑप्शन क्या क्या उसमें? और बस दो चीजें, और ये भी है सीजन $1-$2। तो खाना क्या खा रहे फिर हम? सीजन चिली सॉस वगैरह है, वो ऑफर में है, वहाँ जाके देख ले। ठीक है मौके में तो दाबेली और वड़ा पाव है, दोनों एक एक दो जा रहे फिर। अभी फिलहाल खाना खाने डिसाइड कर लिया है वहीं पे जो बताया था अभी, कोई कम स्ट्रेच चाय रेस्टोरेंट करके। ठंडी बहुत है, बर्फ दिखाता हूँ, बर्फ तो बर्फ ही बर्फ है। गाड़ी आगे पार्क की है दोस्तों ने, बस पटाखे चल के बैठते हैं और रेडी हो रखा भाई आपका अच्छे से, ऐसे खड़ी सब बर्फ में। अभी पहुँचे यहाँ पे फिलहाल, साले ये तो टेकआउट रेस्टोरेंट निकला, हमें लगा तो बैठे खाएंगे यहाँ पे, तो कोई छोटा सा बस लेट्स ट्राई कर देखते कैसा है खाना, खा के देखते खाना क्या। दाबेली और वड़ा पाव है अपना। ए कहाँ गया, ठंडी लग रही तेरे को? अरे बहुत ठंडी है, टोपी पहननी पड़ी। अंदर गए सब ये फिलहाल लेने के लिए, एक तो गाड़ी के अंदर बैठ गया, एक पार्सल ले लिया है, दूसरा और देख रहे कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं। ये डॉट ये क्या, ये डॉटी फ्राइज क्या है, गंदे गंदे फ्राइज बेच रहे ये लोग। वही तो जल्दी पे करो, देखो टिप भी मांगती है सीधा 15-18-20, ऐसा नहीं कि मर्जी से तुम $1-2 दे दो, सीधा कर दिया पे। ये फाइनली 9-20 एक पैकिंग हमारी रेडी हो गई है, और दूसरा भी और एडिशनल ऑर्डर किया है। गाड़ी में बैठते खाते, अब देखो हमारी गाड़ी के अंदर पार्टी हो रही, ये हमारे शेफ। नहीं इसमें क्या है, तू ज़्यादा तो नहीं खा रहा है कुछ? मेरे अपनी एक दाबेली एक वड़ा पाव, इसके आगे तेरे को पानी पी ले, पानी स्पाइसी है, मिर्च खा रही है। मैं मुझे भी नहीं लगा उतना, मिर्च खाई तूने? मैंने भी खाई पूरी। अच्छा नहीं फिर पता नहीं मुझे, मैं तो ऐसी मिर्च नहीं खाता। कैसा है पूछ रहा, मस्त है, बहुत अच्छा। हमारी मुझे कैसे लगा और क्या देख रहे हैं, अच्छा लगा? वो देख खा गया उसको। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया गाड़ी में बैठे खा रहे थे, एक बार ऑर्डर किया खाना टेस्टी निकला, वापस ऑर्डर किया फिर सेकेंड टाइम में, चाय पेरी पेरी देन समोसा, टेस्टी था। चलते हैं बस घर को, क्या देखते हैं कहीं रास्ते में गड़ी मारेंगे। पीस। जस्ट अभी अभी घर आया मैं, वड़ा पाव खाने के बाद चले गए थे थोड़ा सा ही घूमने घामने, इधर कुछ था नहीं करने को तो यहाँ बस गेड़ियाँ मार रहे थे गाड़ी में बैठ के। काफ़ी अच्छा वड़ा पाव था वहाँ का, फर्स्ट टाइम ट्राई किया ऐसे वड़ा पाव बाहर, यूजली मैं ट्राई नहीं करता, दोस्त लोग घर में बनाते हैं तो खा लेते हैं बस। रात के 2 बज गए अब, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, अब सोता हूँ मैं भी, दोस्त भी चले गए थे ड्रॉप करने के बाद। सो मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।